नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि सॉल्व एंड चेक द रिजल्ट। ओके, 2y + 5/3 = 26/3 - y। अब ध्यान दें बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वेरिएबल x की जगह y आ रहा है, बस टेंशन नहीं है, जैसे x की वैल्यू निकालते थे वैसे y की निकालेंगे। ओके, अब ध्यान दें बच्चों, देखिए यहां पर आपको कभी भी आपको किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी अगर p by q फॉर्म दिखे, राइट हैंड साइड भी p by q फॉर्म दिखे, देखो p by q है ना, जैसे रैशनल नंबर होते थे याद है ना, p by q फॉर्म, तो ये भी क्या है, p by q फॉर्म। तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड 5/3 का डिनोमिनेटर 3 और राइट हैंड साइड 26/3 का डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो जो डिनोमिनेटर होते हैं दोनों तरफ उसका एलसीएम ले लो। ठीक, ध्यान से चेक करो, यहां पे डिनोमिनेटर कितना है 3 है और यहां पे डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो दोनों जो 3 है उसको साथ साथ लेके एलसीएम ले लो। ठीक, मान लो यहां 3 होता और यहां 5 होता तब भी हम एलसीएम लेते 3 और 5 का। ठीक, तो अभी 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखो 3 1 3 3 1 3 खत्म, तो एलसीएम कितना आ गया सबको पता है, 3 और 3 का एलसीएम बच्चों 3 ही होता है। ठीक, तो जो एलसीएम आता है ध्यान से सुनिए, दोनों तरफ पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे गए नंबर्स के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आता है, ठीक, उस एलसीएम से उठा के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से सुनो, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो और अपनी कॉपी में लिखो क्या कि मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। ओके, बोथ साइड 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसको पहले कॉपी करेंगे। ठीक, 2y + 5/3 ये ऐसा ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 26/3 - y। ठीक, नाउ हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में भी। ठीक, अब ये 3 जाएगा फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान से चेक करो, 3 × 2y, तो ये हो जाएगा 3 × 2y। सिमिलरली ये वाला प्लस कॉपी करेंगे और 3 × 5/3 ठीक इज इक्वल्स टू, ये 3 जाके फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा तो 3 × 26/3 और माइनस लगाए लगा देंगे और 3 जाएगा y में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3 × y। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 × 2 = 6 होता है, साथ में y, 6y और प्लस ये वाला 3 से 3 कैंसिल, 5 बचेगा इज इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल, 26 यहाँ बच जाएगा, माइनस 3 × y होता है 3y। ये लीजिए बच्चों, क्वेश्चन हो गया एकदम इजी। अब क्या करोगे, ये जो प्लस 5 है इसको ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड, है ना। ओके, तो हमारे पास क्या आया है अभी तक, 6y + 5 = कितना बच्चों, 26 - 3y। ओके, तो हमने क्या बताया था कि सभी नंबर्स को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो, तो ये प्लस 5 लिखा है इसको हम राइट हैंड साइड इस तरीके से बच्चों भेज देंगे। ओके, चलिए अब हमने क्या किया, 5 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया, सो यहां से क्या आ गया, 6y = अब ध्यान दें यहां राइट हैंड साइड कितना था, 26 - 3y था और प्लस 5 राइट में जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, 6y = ध्यान दें 26 के पास हम -5 को ले आएंगे, सो 26 - 5 और -3y। ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा, 6y = 26 - 5 कितना होता है, 21, 26 - 25 होता है 21 और -3y। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करोगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ लेके आओगे, यानी कि ध्यान दें स्टूडेंट्स, 6y तो लेफ्ट में लिखा है और ये -3y को लेफ्ट में लेके आओगे, तो -3y लेफ्ट में आएगा तो +3y आ जाएगा इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, 21। ओके बच्चों, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 6y + 3y कितना होता है, 6 + 3 होता है 9, है ना, तो ये हो जाएगा 9y, सो 9y इज इक्वल्स टू 21। ठीक है ना भाई, 6 के आगे प्लस है ना बेटा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो 6 + 3 होता है 9, है ना, तो 9 और साथ में y और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 6 के आगे प्लस है तो +9y, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा। ठीक, ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब 9y का क्या मतलब है, 9y का मतलब है 9 × y। ठीक, 9y में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ कर रहा हूँ, y = 21/9। अब ध्यान दें बच्चों, 3 से कैंसिल होगा, 3 × 3 = क्या होता है 9 और 3 × 7 = क्या होता है 21, 7/3 आ गया, तो y का वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y = 7/3। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसका एक और तरीका बताएंगे, आपके स्कूल में जो बताया होगा, परेशान ना हो, पहले इसको कॉपी करो, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 7/3 आ रही, कॉपी करिए, अभी इसको वेरीफाई करके दिखाता हूं। ओके, कॉपी कर लें स्टूडेंट्स, कर लिया, चलो अब चेक करते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, है ना। फॉर y इज इक्वल टू 7/3 हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। सो अब इसको एक और तरीके से करके आपको दिखाएंगे, परेशान ना हो, आपके स्कूल में जिस तरीके से कराया गया होगा वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब हम अपना आंसर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, 2y + 5/3, ओके। 2y का मतलब क्या होता है, 2 × y और प्लस 5/3। नाउ 2 × y, y कितना है, 7/3, ओके। तो 7/3 और प्लस 5/3, ठीक। अब देखिए बच्चों, 2 × 7 14 होता है, 2 × 7 = 14/3 और प्लस 5/3। इसको सॉल्व करना आता है, 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 14 × 1 = 14 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 5 × 1 = 5 14 + 5 कितना आ गया, 19, तो 19/3 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। देखो कभी भी अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधे ऊपर वाले नंबर को अगर बीच में प्लस है तो ऐड कर दो, बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे, 14 + 5 = 19/3 अगर दोनों नंबर सेम है डिनोमिनेटर में, ठीक। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है 26/3 - y, ओके। सो यहाँ से हो जाएगा 26/3 - y, y कितना है बच्चों, 7/3, तो 7/3, ठीक है। अब देखिए फिर से दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख दो और कुछ मत करो, 26 - 7 कर दो ऊपर बस, ठीक। क्यों, क्योंकि 3 का एलसीएम 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 26 × 1 = 26 - एलसीएम 3 आया है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 7 × 1 = 7, ओके। नाउ बच्चों 26 - 7 कितना होता है, 19, सो 19/3। तो देखा आपने, y = 7/3 लेफ्ट हैंड साइड जितना आ रहा है 19/3 उतना ही राइट हैंड साइड आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितना है, y = 7/3, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कॉपी करिए, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉपी करिए, कर लिया। चलिए अब देखिए बच्चों आपके स्कूल में कैसे कराया गया होगा वो भी हम चलिए आपको लगे हाथ बता देते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स ने आपको ऐसे कराया होगा, वो भी मेथड ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ आपके स्कूल में कैसे किया होगा, देखिए स्कूल में, है ना, स्कूल मेथड सुनो। आपके टीचर ने बोला होगा कि ये 2y को ऐसे ही कॉपी कर लो, 5/3 एक नंबर है, इसको इन्होंने राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया होगा, ठीक। सो राइट हैंड साइड में 26/3 और माइनस वाई तो पहले से ही था, और ये वाला प्लस 5/3 राइट में गया होगा तो -5/3 हो गया होगा, ठीक। उसके बाद आपके टीचर्स ने बोला होगा कि 2y कैन बी रिटन एज 26/3 के पास, इसको ले आए होंगे -5/3 को, और माइनस में वाई आपका इस तरीके से रहा होगा। इसके बाद क्या हुआ होगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 आया होगा, 3 को 3 से डिवाइड करा 1, 26 × 1 = 26 - 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया होगा, और बच्चों 5 × 1 आ गया होगा 5, और माइनस में आपका y होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 2y = 26 - 5 होता है 21, 21/3 आया होगा और माइनस में y, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब ध्यान दें, 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = कितना होता है, 21, 7/1 = 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2y = ध्यान दें 7/1 आया होगा आपका 7 और माइनस में y होगा, ठीक। फिर माइनस y को लेफ्ट में भेजा होगा, लेफ्ट में ट्रांसपोज किया होगा, माइनस y लेफ्ट में आके प्लस y हो गया होगा, = में क्या बचा, 7, ठीक। अब देखो 2y + y कितना होता है, 3y बाई 2y + y कितना होता है, 3y, क्योंकि y के सामने कोई नंबर नहीं लिखा, तो 1 + 2 + 1 = 3 होता है, 3y = 7। अब 3y का मतलब 3 × y, 3 आके उधर डिवाइड लगाएगा, सो y = 7/3। ऐसे भी आप इस आंसर को मतलब निकाल सकते हो, ओके बच्चों। तो y = 7/3 आएगा, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, और वेरीफाई करके मैंने आपको दिखा दिया है, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए।